ये करीब 25 से 30 साल पुरानी बात है और वो आधी से ज़्यादा लाइफ जेल के अंदर ही काट चुके हैं और उनकी लाइफ जो है थोड़ी अलग टाइप की लाइफ है। जेल से बाहर आने के बाद में भी उनकी जो लाइफ है उनसे भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो ये जो सस्पेंस है ये अभी मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। अच्छा, इतना तो बता सकते हैं उस क्रिमिनल को अगर उस पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं तो उससे कुछ व्यक्ति का संबंध तो नहीं, या फिर उसको कुछ आपके कुछ करीबी हैं या फिर कुछ नजदीकी, तो संबंध तो ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत सारा रिसर्च किया हूँ क्रिमिनल लोगों के ऊपर, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, उसमें से मुझे ये किरदार बहुत हटके लगा और इनके ऊपर बायोग्राफी बनानी चाहिए। फिर मैं सर्च करके उनके करीब, उनके दोस्तों के करीब जाके फिर उनको मैंने कन्विंस किया हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मूवी में बनाना चाहता हूँ, सीरियल बनाना चाहता हूँ, आपका ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर वो हिसाब से मैं एग्रीमेंट बना के उनको कन्विंस करके मैं सारे राइट्स वगैरह सब ले चुका हूँ। किस जुर्म में वो अंदर थे, क्या जुर्म था उनका, वो अंदर थे आपने कहा? देखो, क्रिमिनल है, बड़े क्रिमिनल थे। और अभी मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, अभी एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें मैं सब डिटेल में एक्सपोज करूँगा। अभी शूटिंग कब से शुरू होगी और कहाँ कहाँ होगी? अभी प्लानिंग में है, नेक्स्ट मंथ में हम लोग शूट करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। और शूटिंग जो है मुंबई में, जेलों में, पिक्चर का आधा तो शूट जेल के अंदर ही है, आधा जेल के बाहर है, तो आउटडोर तो मुंबई में, मुंबई के बाहर भी है, पहाड़ों में, जंगलों में, जो सिचुएशन में उन्होंने लाइफ बिताई है वो हिसाब से शूट का लोकेशन है। महाराष्ट्र का है, मुंबई से रिलेटेड है। मुंबई से रिलेटेड है। नहीं, वीएसएन प्रोडक्शन तो मैं 5 साल पहले बैनर बनाया है, लेकिन मैं इंडस्ट्री में 10 साल से जुड़ा हूँ, 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इंडस्ट्री में कि किस तरह की मूवी बनती है, सीरियल बनती है। उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, शोज़ किए हैं, पिक्चर बनाई है, दोस्तों के साथ बनाए, बाकी सब लोगों को सर्च करके, फ्रेंड जो हीरो थे, जो एक्टर थे, जो स्ट्रगलर थे, सबसे मिल के शूटिंग पे जाके मैं बहुत कुछ बारीकी से सीखा कि फिल्मों में क्या होता है क्या नहीं, कमर्शियल फिल्में कैसी बनती है। फिल्म बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिल्म रिलीज़ करके उसका रिकवरी करना बहुत बड़ी बात है और उसे क्या संदेश जाना चाहिए, समाज में क्या परिवर्तन आना चाहिए। फिल्म में ये माध्यम जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो समाज को परिवर्तन कर सकता है। तो वो हिसाब से मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं ये एंगल इसके लिए चुना कि भाई इस एंगल से समाज को बहुत सारा फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकते हैं, उनको संदेश जा सकता है, गाइडलाइन मिल सकती है। वो हिसाब से प्लेटफॉर्म में मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। दो फिल्म बनाएंगे हिंदी जो आखिरी गब्बर नाम से थी, 40 इंडस्ट्री के जो बोने हैं 40 बोने को लेकर बनाएंगे, और उसके बाद आपने जो एक होता लिखा सुमित पाल को लेकर के मराठी फिल्म बनाई है, तो उन दोनों फिल्मों का क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? देखो, आखिरी गब्बर जो मैंने 40 बोनों को लेकर बनाई है उसका एक्सपीरियंस तो वेरी डिफरेंट रहा। बाकी कॉमन मैन से लेके उन शॉर्ट लोगों के साथ में मैंने एक महीना डेढ़ महीना मैंने बिताया है शूट पे, तो उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। गॉड ने उनको हाइट कम दी लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी पूरी की है, तो वो हिसाब से उनके साथ काम करने में बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और एक अलग सोच के हिसाब से उनके साथ काम करवा के लेना पड़ा मुझे, तो एक अच्छा अनुभव रहा है उनके साथ। और जो लॉकडाउन के पहले मैंने रिलीज़ किया है एक होता लेखक सुनील पाल जी को लेके, वो एक मराठी मूवी है और वो मराठी मूवी भी एक सामाजिक संदेश देने जैसी मराठी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है वो भी। सर, केस जो था टाटा केस तो नहीं, सर टाटा केस था क्या केस था जिसमें क्रिमिनल आपकी बात कर रहे हैं? देखो, या कोई रेप केस में था या खूनी मर्डर है, कौन है? टोटल क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल है, सारे टाड़ा हुआ सर, सारे सेक्शन अलाउड है उनके ऊपर। आप बोलेंगे नहीं सर? नहीं, अभी बोलने का वक्त नहीं है, अभी मैं एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, बोलूंगा सिचुएशन आएगी। वो भी एक प्लानिंग का अनाउंसमेंट था, पिक्चर का अनाउंसमेंट करने के हिसाब से कि क्या क्या तैयारी है, आगे हमको क्या करना है, तो एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। नहीं, अभी उनको रिलीज के बाद ही एक्सपोज करेंगे उनको, तब तक उनको एक्सपोज नहीं करेंगे क्योंकि वो चलिए।